हेलो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के बारे में। अरे ये कौन सा टॉपिक पढ़ने लग गया, माफ करना इंजीनियर्स, WWE के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं जॉगल वर्सेस स्टैगर्ड के बारे में। आपने मुझसे ऐसे सवाल पूछे थे कि सर जॉगल बार क्या होता है या फिर जॉगल का मतलब क्या होता है और स्टैगर्ड क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो आज इस वीडियो में डिटेल पे हम बात करने वाले हैं, दो पार्ट में वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में पूरा जॉगल कवर करेंगे और इसके पार्ट टू में करने वाले हैं स्टैगर्ड को कवर। तो आइए देरी ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं, और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दो, उससे हमें उत्साह मिलता है, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, और यदि आपको स्टैगर्ड के बारे में वीडियो देखना है बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। नमस्कार, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म सिविल गुरुजी पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। सो इंजीनियर, सबसे पहले समझते हैं जॉगल को, सबसे पहले आसान तरीके से, जैसे कि इसकी यूज कहां पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा कॉलम है और यहां पर ग्राउंड बीम है और यहां पर स्लैब बीम है, तो ये हो गया हमारा जंक्शन वाला पार्ट। और कॉलम के केस में हमको ये तो पता है कि कॉलम हमेशा हम स्टेज वाइज कास्ट करते हैं, इसी पर्पस के वजह से जो रेनफोर्समेंट है वो भी हमको स्टेज वाइज लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने फाउंडेशन से अपना सरिया निकाला और ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा, एक ग्राउंड फ्लोर, ये इसकी ग्राउंड बीम और इसकी स्लैब बीम, इसके बीच तक हमने कहीं पर रेनफोर्समेंट लेकर के आया। अब कहां तक रेनफोर्समेंट लाते हैं वो समझते हैं। जो भी हमारा जंक्शन का पार्ट होता है, ये हमारा बॉटम जंक्शन, ये हमारा टॉप जंक्शन, यहां पर जंक्शन से L by 4 नीचे से और इस जंक्शन से L by 4 यहां तक छोड़ के इस पार्ट में हमको लैब नहीं देना होता। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका और पढ़ा भी चुका है, यदि आपको और जानकारी लेनी है तो YouTube पे टाइप कर लीजिएगा लैपिंग लेंथ बाय सिविल गुरुजी, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। अब जैसे कि हमको पता है यहां पर लैब नहीं दे सकते, तो कहां दे सकते हैं, बीच वाले पोर्शन पे लैब दे सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे फाउंडेशन से लेकर सबसे पहला जो सरिया आएगा वो कहां तक आएगा, ग्राउंड फ्लोर के सेंटर लेवल तक। और ये दिखेगा कैसे, कुछ इस तरह से दिखेगा। एक रैंडम एग्जांपल हमने लिया, इसका क्रॉस सेक्शन है कॉलम का, तो यहां पर टोटल हमारी 8 नंबर ऑफ मेन बार लग रही है। लेकिन अब क्या होगा भैया, बैक फिलिंग होगी, उसके बाद हमारा ग्राउंड बीम का काम चलेगा, उसकी कास्टिंग होगी, अब उसके बाद फ्लोर में बैक फिलिंग होगा, सारी चीजें होंगी, अब उसके बाद ऊपर का काम चालू होगा। तो अब ऊपर का काम चालू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेनफोर्समेंट को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, लैब देना पड़ेगा। तो लैब हम प्रोवाइड करते, चलिए एक रैंडम लैब प्रोवाइड करते कुछ इस तरह से। क्या ये ऐसा लैब हमको प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं, नीचे चैट में कमेंट करके यस या नो जरूर बताइए। लेट्स से कि हमने इस तरह से लैब प्रोवाइड किया और आगे कॉलम जा रहा है। अभी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यहां पर इस तरह से दिखाया, लेकिन यदि हम देखें क्रॉस सेक्शन में तो कुछ इस तरह से जो हमारी ब्लू वाली बार है जो ऊपर जाने वाली है वो इस तरह से प्लेस होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी अल्टरनेट, चाहे ये यहां की जगह यहां भी हो सकता है, वो मैटर करता है एग्जीक्यूशन के टाइम, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये जो बार ऊपर की ओर जा रही है, जैसे ही मैंने इसे रखा और सीधा ऊपर की ओर ले गया, तो उसमें मेरे पास क्या डिफरेंस हो जाता है कि जो मेरा मेन ओरिएंटेशन है, मेन जो पोजीशन है मेरी मेन बार की, ये वाली जो मेरी पोजीशन है जो आप रेड से देख रहे हैं, जो फाउंडेशन से चली हुई आ रही है, वो उसकी एक्चुअल लेंथ नहीं हो जाती यदि मैं इस तरह से लैप करता हूं तो, इस तरह से लैप करता हूं तो वो एक्चुअल पोजीशन नहीं रह जाती, जिसके वजह से एरर होने के चांसेस डेवलप हो सकते हैं। तो भैया एग्जैक्ट फिर सही तरीका क्या है, यदि इस तरह से लैप नहीं करना तो फिर किस तरह से लैप करना है, आइए समझते हैं। और आज के वीडियो में ये भी देखेंगे कि उसका सही लेंथ या फिर एंगल क्या होता है करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल एक और केस लेते हैं सेम इसी तरह का। अब इस बार क्या हुआ, ये मेरी मेन बार आई, लेकिन अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर वाली बार को इस तरह से लैप करके यहां पर इसको एक छोटा सा एंगल पर बेंड कर दिया इस तरह से, और फिर उसको ऊपर ले गया। जैसे ही मैं ये करता हूं तो यहां पर आप जो इस एंगल को देख रहे हैं कि लैप करते हुए यहां पर बार को थोड़ा सा बेंड करना, और ये जो इसकी ओरिजिनल पोजिशन है यहां पर, उसी ओरिजिनल पोजीशन पर ला करके इसे ऊपर ले जाना, ये वाला पार्ट कहलाता है जॉगल करना। क्या कहलाता है, ये जॉगल, JOGGLE, ये कहलाता है जॉगल मारना, ठीक है, इसे कहते हैं जॉगल बार। ये पार्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे मेन डिफरेंस जॉगल और स्टैगर्ड में, ये सबसे पहला डिफरेंस कि क्या ये डिफरेंस है कि जो भी मेन बार है उस मेन बार की पोजीशन की कंटिन्यूटी, पोजीशन की कंटिन्यूटी को रखने के लिए जिस पोजीशन पर वो ऊपर जाती है
उसकी कंटिन्यूटी को रखने के लिए हम हमारी लैप की गई बार को थोड़ा सा बेंड करते हैं और इसी बेंड को कहते हैं जॉगल करना, ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रह सके। तो ये पार्ट है आपका, जॉगल क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब यदि बात करें कि सर ठीक है समझ में तो आ गया ये हमको जॉगल करना है, लेकिन ये जो जॉगल है इसकी कोई मिनिमम लेंथ स्पेसिफाइड है क्या, या फिर इसे कैसे देते हैं, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। बिल्कुल इसकी स्पेसिफाइड लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल हमको यहां पर इसी पार्ट की लेंथ समझनी है, तो हमने क्या किया भैया, एक इसको उठा के थोड़ा सा बड़े डायग्राम में इस तरह से आया, यहां से लैप होके यहां से जॉगल हो गया, ठीक है। अब इसी के ही पार्ट को समझना है कि तो कैसे दिया जाता है, तो यहां पर एक स्टैंडर्ड आप समझ लीजिए, यहां पर जो इसका स्लोप है, स्लोप, इस स्लोप को मेंटेन करना होता है 1:6 के रेशियो में, 1:6 का स्लोप आपको मेंटेन करना है जॉगल को देते टाइम। और इसकी जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू, यदि आपको कुछ नहीं पता है तो आप इसको 6D भी बोल सकते हो, 6D, 6 डायमीटर ऑफ बार होगी ये जॉगल की लेंथ यहां से लेकर के यहां तक, 6D, 6 डायमीटर ऑफ बार। लेकिन ये आई कैसे, ये बस इसी स्लोप से आई, इसको समझ लेते कैसे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये जो मेरी मेन बार नीचे से आ रही है, ये आप देख रहे हैं यहां से ये मेन बार आई, अब इसके बाद ये वाली बार यहां से लैप हुई, तो इसको ये वाली जो बार है इसको कहां तक आना है, इसके ऊपर तक पहुंचना है यहां पर, तो इसको इसका डायमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को ट्रैवल करना है इतना, तो बस हमको क्या निकालना है, ये लेंथ चाहिए हमको, ये लेंथ, ऐसी लेंथ चाहिए, और इसका स्लोप क्या होता है 1:6। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बार यहां से लेकर के इसके ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो डिस्टेंस कितना है, डाया ऑफ बार का ही तो डिस्टेंस है ना, डाया ऑफ बार का ही तो डिस्टेंस है। ये इससे चिपकते हुए ऐसे ऊपर जाएगी, फिर एक डाया ऑफ बार इसको ऐसा सरकना पड़ेगा तभी ये ऊपर जाके सीधी हो जाएगी, तो डाया ऑफ बार ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है डाया ऑफ बार, लेट्स से 16 mm है, मान लेते 16 mm का डाया है, तो 1:6 का स्लोप मतलब होता है कि यदि मैं 16 mm यहां गया, इसका मतलब कि यदि मैं एक पार्ट यहां गया तो 6 पार्ट मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। 1:6 के स्लोप का मतलब यही होता है, यदि एक पार्ट यहां गया तो इसका 6 पार्ट ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि यदि 16 mm का डाया मैं इधर जा रहा हूं तो इसका 6 गुना मुझे ऊपर की ओर जाना है, तो 16 × 6 दैट इज 96 mm, तो 16 mm डाया के बार के लिए यहां पर जो आपकी इसकी लेंथ आएगी दैट विल बी 96 mm, यहां से लेकर के यहां तक की जॉगल की लेंथ, क्लियर है। तो इस तरह से आपको समझना होता है कि यह है पहली बात तो जॉगल, और जॉगल क्यों मारा जाता है या फिर क्यों दिया जाता है, जो मेन बार की कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि आपका जो क्रॉस सेक्शन, जो फ्रेम ऑफ कॉलम है वो सिमिलर रहे। और उसी के साथ साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको ध्यान देना है कि इसका एग्जीक्यूशन वर्क करते वक्त आपने यहां पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी मेन बार लगेगा तो वो आउटर यानी कि कवर से टच हुआ होना चाहिए। यदि हम इसको इस साइड लगाएंगे तो यहां पर ये मेन बार लगेगा ऐसा, और जब दूसरी बार जो लैप होगी वो इसके अंदर से लैप होगी यहां पर इस तरह से ऐसा। तो हमेशा इसी चीज को ध्यान देना है कि जब भी जो आपका लैप होगा वो हमेशा मेन बार से अंदर की ओर होगा, बाहर की ओर नहीं होगा वो कभी भी, क्योंकि उस केस में फिर कवर और कम हो जाएगा आपका। यही चीज आपको ध्यान देना है जॉगल के एग्जीक्यूशन के वक्त। सो इंजीनियर्स, आई होप ये नॉलेज आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा जो डिफरेंस बिटवीन हम बात करने वाले हैं। तो पहला डिफरेंस था जॉगल का, और यदि आपको इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज, और भी लर्निंग, और यदि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सिविल गुरु जी के साथ ट्रेनिंग करनी है तो आप हमारे पास साथ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल के साथ। ऑनलाइन पे आप हमारे साथ बिल्डिंग और हाईवे के पार्ट में ट्रेनिंग ले सकते हैं, कॉस्ट बिल्डिंग और कॉस्ट हाईवे में बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर चल रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अभी ट्रेनिंग ज्वाइन करने का। तो आपको बस एक ही करना है, अभी फोन लगाना है टीम को डायरेक्ट, 9111001234 बोल्ड लाइन नंबर है, टीम को फोन लगाओ, अभी पूछ लो कि भैया उनके लिए क्या ऑफर है स्पेशली, और ऑफर लेके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो। और यदि ट्रेनिंग अभी तक आपने जॉब चालू नहीं किया है तो हमारे साथ ऑफलाइन में 2 महीने की ऑफलाइन ट्रेनिंग है, इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर, 18 से भी ज्यादा लोकेशंस पर सिविल गुरुजी के ब्रांचेस अवेलेबल हैं। आओ 2 महीने की ट्रेनिंग करो, खुद को स्किलफुल बनाओ और सीखो वही, क्योंकि सिविल गुरुजी का एक ही मानना है यार, सीखना वही है जो आगे चल रहे काम आने वाला है, जो इंडस्ट्री की रियल डिमांड है। आलतू फालतू चीजें नहीं सीखनी, क्यों, उसमें टाइम नहीं जाएगा, ना कंपनी की डिमांड है और ना हमारा वो मैचिंग हो पाएगा। तो दो वही कंपनी को जो उनको चाहिए,
और जो उनको चाहिए यदि आप वो दोगे तो आपकी जॉब क्यों नहीं लगने वाली। तो लगेगी तो जरूर, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद को कंपनी के डिमांड के हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। और इसी तरह से यदि आप इंटरेस्टिंग वीडियोस टॉपिक्स चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, ट्रेनिंग करिए हमारे साथ। ये बोल्ड लाइन नंबर जरूर याद रखिए 9111001234। अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ, टीम से बात करके अपनी उनको प्रॉब्लम बताओ। और ठीक इसी तरह से आज हमने पढ़ लिया भैया जॉगल, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले डिटेल पर कि भैया स्टैगर्ड क्या होता है। जॉगल और स्टैगर्ड के बीच का डिफरेंस बहुत ही मेन डिफरेंस है, इसका पार्ट टू आने वाला है नेक्स्ट मंडे को, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यदि आप ये नेक्स्ट मंडे के बाद देख रहे हैं तो यहां आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको स्टैगर्ड बार का लिंक मिल जाएगा। और इंजीनियर्स यदि आप खुद का पर्सनालिटी एनालिसिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक एनालिटिक्स फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, उसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं आपसे, यदि आप उनका जवाब देते हैं तो आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस स्टेज पर हैं और आपको किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। सो इंजीनियर्स आई होप आपको नॉलेज पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और नए वीडियोस देखने हैं तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और करना है खास, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।